तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल वेब टेक क्लासेस। दोस्तों, अगर आप भी अपने इंस्टीट्यूट या फिर स्कूल के लिए एक ऐसा रिसिप्ट बनाना चाहते हैं तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एमएस वर्ड की मदद से आप इस तरह का रिसिप्ट कैसे बनाएंगे। तो वीडियो पर बने रहिए, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको एमएस वर्ड ओपन कर लेना है। आपके पास कोई भी वर्जन हो, 2007, 2010, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो आपको सबसे पहला काम करना है, इंसर्ट में जाना है। और इंसर्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पर सेव्स में आ जाना है। और सेव में आने के बाद आपको यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसको आप माउस की मदद से सेलेक्ट कर लीजिए। और सेलेक्ट करने के बाद आप माउस से यहाँ से ऐसे ड्रॉ कीजिए एक टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। और आप चाहें तो इसको अपने अनुसार घटा बढ़ा भी सकते हैं। तो अगर बाद में आपको इसकी ज़रूरत पड़ी कि कम पड़ रहा है तो आप इसको बाद में बढ़ा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लोगो करना है, ठीक है। आपको यहाँ पर लोगो डालना है। तो लोगो डालने के लिए आपको चले जाना है इंसर्ट में, और यहाँ पर आपको एक पिक्चर का ऑप्शन मिलेगा, पिक्चर पर आप क्लिक कीजिए। और दोस्तों आपने जहाँ भी कंप्यूटर में अपना लोगो रखा हुआ है तो आप वहाँ से इसको ओपन कर लीजिए। देखिए मैंने यहाँ पर अपना एक लोगो डाला हुआ है, तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक लोगो है, ठीक है। इसको सेलेक्ट करके और यहाँ पर आप इंसर्ट पर क्लिक कीजिए तो आपका यहाँ लोगो आ जाएगा। अभी दोस्तों इसको क्या करना है, आपको इसको अपने अनुसार इसको एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। और देख लीजिए अगर आप जितना छोटा चाहें बड़ा चाहें इसको अपने अनुसार आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है उसको आपको हेडिंग पर लिखना है। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, देखिए मैंने यहाँ पर लिख लिया है वेबटेक क्लासेस, ठीक है। और इसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एक बार W पर आके कर्सर पर क्लिक करना है और स्पेस बार, कीबोर्ड से आपको स्पेस बार टाइप करते रहना है। देखिए आपको इसको सेंटर पर लेते आना इस तरह करके। इसके बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, इसे थोड़ा साइज को भी थोड़ा बड़ा कर लेना है। तो इसको आप माउस की मदद से इस तरह सेलेक्ट कर लीजिए। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको फॉन्ट साइज का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आप फॉन्ट साइज को थोड़ा बढ़ा लीजिए, ठीक है। आप अपने अनुसार जितना चाहें बढ़ा सकते हैं। और अगर दोस्तों यहाँ पर आप फॉन्ट स्टाइल को भी चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से फॉन्ट स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर एक सेलेक्ट कर लेता हूँ, और देखिए दोस्तों अब हमारा, ठीक है। और इसको अगर आप चाहें तो और थोड़ा बीच में लाना चाहें तो कर्सर यहाँ रख के आप बैक स्पेस आप क्लिक करें तो थोड़ा सेंटर पर आपका आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर आ जाना है और आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है। तो मोबाइल नंबर डालने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, यहाँ से थोड़ा सा साइज को आप छोटा कर लीजिए, ठीक है। और साइज छोटा करने के बाद यहाँ से फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर लीजिए। और चेंज करने के बाद अब यहाँ पर आप सिर्फ MOB लिख दीजिए, तब भी आपका हो जाएगा। और यहाँ पर आप जो 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है आप यहाँ पर इंटर कर दीजिए, जो भी आपके इंस्टीट्यूट का या सेंटर का नंबर है, ठीक है। और दोस्तों थोड़ा सा आप इसको एडजस्ट करने के लिए साइज को अगर छोटा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा साइज को और छोटा कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए साइज को मैंने छोटा कर दिया है, और इसको थोड़ा आप स्पेस बार की मदद से इसको आप थोड़ा साइड में कर लीजिए। तो दोस्तों ये देखिए इतना तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों अगर आप चाहें तो यहाँ पर और इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं, तो वो सब हम लोग बाद में करेंगे, सबसे पहले हम लोग टाइपिंग कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, अब दोस्तों आपको यहाँ से इंटर प्रेस कर लेना है और यहाँ पर आपको डालना है रिसिप्ट नंबर। चलिए मैं यहाँ पर रिसिप्ट नंबर लिख लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर रिसिप्ट नंबर टाइप कर लिया है। अब दोस्तों आपको स्पेस बार देते हुए आपको राइट साइड में आना है और यहाँ पर आपको डेट का कॉलम डालना। तो चलिए देखिए स्पेस बार आप देते रहिए, ठीक है। और आपका जो कर्सर है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर लेफ्ट साइड में आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों अगर इस लाइन में आपको लिखना है तो आपको ये काम करना पड़ेगा, आपको स्पेस बार दाबते रहना होगा। इससे क्या है कि आपका ये पता रहेगा कि आपको इस साइड में लिखना है। तो चलिए देखिए मैं स्पेस बार देते हुए इस साइड आ जाता हूँ। तो चलिए दोस्तों हमारा कर्सर यहाँ पर आ चुका है। अब हम लोग यहाँ पर डेट का कॉलम डाल लेते हैं। तो देखिए डेट का कॉलम डालिए, सेमी कॉलम आप दे दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर एक ब्लैंक का भी साइन दे दीजिए ताकि डेट लिखने में आसानी हो। अब दोस्तों आपको यहाँ पर फिर से इंटर प्रेस कर लेना है। और अब यहाँ से दोस्तों अब हम लोग यहाँ पर कैंडिडेट का नेम भरेंगे, जिनका रसीद जिनके नाम पर कटेगा उनका नाम रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग नेम का कॉलम बना लेते हैं। चलिए नेम हमने लिख लिया सेमी कॉलम, ठीक है। अब यहाँ पर आप कीबोर्ड की मदद से यहाँ इस तरह डॉटेड लाइन दे दीजिए, जो भी नाम होगा वो यहाँ पर फिल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब आपको क्या यहाँ पर एक क्लास का भी ऑप्शन बना देना है। तो हम लोग चलिए यहाँ पर क्लास का भी एक ऑप्शन बना देते हैं। क्लास का हमने ऑप्शन बना दिया, फिर से सेमी कॉलम दे दीजिए और उसी तरह आप कीबोर्ड की मदद से
डॉटेड लाइन दे दीजिए। इससे क्या है कि जो भी क्लास होगा स्टूडेंट का वो यहाँ पर फिल हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप इंटर प्रेस कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर मंथ डाल सकते हैं, तो चलिए यहाँ पर मंथ मैं डाल लेता हूँ। ठीक है, मंथ का मैंने कॉलम बना लिया। इससे थोड़ा बोल्ड करना है तो इसे आप इस तरह सेलेक्ट करके और बोल्ड भी कर लीजिए। ठीक है, Ctrl+20 की शॉर्टकट की, और यहाँ पर भी आपको बोल्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके बाद सेमी कॉलम लगा के उसी तरह सेम टू सेम डॉटेड लाइन दे दीजिए। ठीक है, जो यहाँ पर मंथ फील होगा। इसके बाद मैं दोस्तों यहाँ पर एक सेशन का भी कॉलम बना देता हूँ। तो देखिए सेशन का मैंने एक कॉलम बना दिया है। ठीक है, कितना से कितना सेशन तक का ये पेमेंट हो रहा है, तो यहाँ पर भी इसी तरह आप डॉटेड लाइन बना दीजिए। और दोस्तों आप और भी कुछ चाहें अपने रसीद में ऐड करना, तो आप अपने मन से जो भी है वो उसको ऐड कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इतना तक कंप्लीट कर लिया है। अब देख सकते हैं दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ से आप इंटर प्रेस कर लीजिए। अब दोस्तों हम लोग को यहाँ पर एक टेबल इंसर्ट करना है, क्योंकि जो 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 आप कोर्स कराते हैं उनका जो आप फीस लेंगे तो उनका जो कोर्स का नाम है वहाँ पर होना चाहिए, और उसके बगल में आपका अमाउंट रहेगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के लिए दोस्तों आप यहाँ पर इंसर्ट में चले जाइए, और आपको जस्ट इसी के नीचे एक टेबल का ऑप्शन मिलेगा। इस टेबल पर आप क्लिक कीजिए, और नीचे में दोस्तों आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट टेबल का। तो इंसर्ट टेबल पर आ जाइए, और यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको तीन रो ले लेने हैं। तो चलिए यहाँ पर तीन मैं डाल लेता हूँ, सॉरी तीन कॉलम ले लेने हैं, और रो आपको लेना है 5। तो यहाँ पर मैं 5 इंटर कर लेता हूँ। देखिए कॉलम 3 और रो 5। इसके बाद नीचे दोस्तों यहाँ पर सिंपली आपको ओके कर देना। तो देखिए आपका यहाँ पर टेबल इंसर्ट हो जाएगा। अब इस दोस्तों इस टेबल को एडजस्ट करने के लिए आप देखिए यहाँ पर लाइन पर सट जा रहा है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको स्केल का ऑप्शन है। ठीक है, इस स्केल की मदद से आप यहाँ पर इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों अब आपका आ गया है, और इधर भी आप इसी तरह आप एडजस्ट कर लीजिए। और दोस्तों अगर आप चाहें तो इस सेल को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं सेल को थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। यहाँ पर हमारा सीरियल नंबर हो जाएगा, यहाँ पर जो भी हमारा कोर्सेस नेम होगा वो यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा अमाउंट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूँ। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर और इसको और भी यहाँ पर कर लेते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं कि हमारा क्या क्या रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डाल लेते हैं सीरियल नंबर। ठीक है, तो S नंबर हम लोग शॉर्ट में ही लिख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं नेक्स्ट सेल में। अब यहाँ पर हम लोग पार्टिकुलर्स डाल लेते हैं। तो चलिए ठीक है दोस्तों, अब हमने यहाँ पर पार्टिकुलर्स डाल लिया। इसको आप इस तरह सेलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पर होम में चले जाइए। तो यहाँ पर एक सेंटर अलाइनमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है, या इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+E। तो आप इसे क्लिक कीजिए, और देखिए आपका जो है अलाइनमेंट है वो सेंटर पर आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको इस सेल में क्लिक करना है, और इसके बाद यहाँ पर आप डाल लीजिए अमाउंट। तो चलिए मैं यहाँ पर अमाउंट डाल लेता हूँ, और इसे भी आप इस तरह सेलेक्ट करके कीबोर्ड से Ctrl+E टाइप कीजिए, आपका जो है वो सेंटर पर आ जाएगा। अब दोस्तों आपको क्या करना है, थोड़ा सा अगर आप चाहें तो सेल को बढ़ा भी सकते हैं। तो सेल को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर इस तरह का एक बनेगा। तो इस तरह आप थोड़ा थोड़ा सब सेल को हल्का हल्का बढ़ा लीजिए, ताकि आपको थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा, काफ़ी जगह भी आपके पास है नीचे। तो इस तरह करके आप सेल को सारे बढ़ा दीजिए। अगर आप चाहें तो इनको, अगर साइज को बड़ा करना चाहें तो इनका साइज को भी आप थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। देखिए ठीक है, तो इस तरह आप पहले एक बार माउस से सेलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पर फॉन्ट साइज में आके यहाँ पर साइज को थोड़ा बड़ा कर लीजिए। देखिए मैं सबको थोड़ा थोड़ा साइज को बड़ा कर लेता हूँ, ये देखिए दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर सीरियल नंबर है, तो यहाँ पर आपको सीधे 1 लिख लेना है। ठीक है, नीचे में आप यहाँ पर 2 लिख लीजिए, यहाँ पर आप 3 लिख लीजिए। और अगर आप और भी रो कॉलम बनाना चाहें, क्योंकि आइटम्स अगर आपका ज़्यादा है या कोर्सेज ज़्यादा है, तो आप और भी बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग अभी इतना ही रहने देते हैं, और लास्ट में यहाँ पर हम लोग टोटल करेंगे। अब इसको भी आप इस तरह करके सेलेक्ट कर लीजिए, देखिए, और Ctrl+E प्रेस कीजिए, तो आपका जो है सेंटर पर आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जो भी आपका कोर्स का नेम है, तो उसको हम लोग यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए हमने जो भी कोर्सेज का नाम है यहाँ पर टाइप कर लिया। आप अपने से चाहें तो और भी ऐड कर सकते हैं, और अगर एक बार थोड़ा सा हम लोग फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर लेते हैं दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा ये बोल्ड यहाँ पर ठीक नहीं लगेगा। तो हम लोग एक सिंगल लाइन यहाँ पर कर लेते हैं, ताकि देखने में थोड़ा सुंदर लगे। और आप चाहें तो थोड़ा साइज बढ़ाना चाहें तो इसको इस तरह सेलेक्ट भी कर लीजिए, और साइज को बड़ा करना चाहें तो थोड़ा साइज बड़ा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर जो अमाउंट होगा वो तो आप पेन से लिखेंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर आप नीचे सेल पर आ जाइए, और यहाँ पर आपको ऑप्शन बनाना है
टोटल का। तो चलिए यहाँ पर हमने टोटल का ऑप्शन बना दिया है, इसको आप सेलेक्ट करके और यहाँ पर लेफ्ट सॉरी राइट अलाइनमेंट दिया हुआ है तो इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+R, तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो देखिए आपका ये जो टोटल है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर टोटल करेंगे, ठीक है। तो ये सब काम जो होगा वो पेन से होगा। अब दोस्तों हमारा लगभग लगभग इतना कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पर नीचे में बनाएंगे सिग्नेचर, और यहाँ पर जो हम लोग बनाएंगे कि ऑनलाइन देना है या ऑफलाइन, जो भी कैश देंगे या ऑनलाइन दे रहे हैं तो ऑनलाइन का एक बॉक्स बना लेंगे, ऑफलाइन का भी एक बॉक्स बना लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं। तो सबसे पहले आप कर्सर को यहाँ लेते आइए, अगर आपका जगह थोड़ा कम पड़ रहा है तो आप इसको यहाँ से बढ़ा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर आप कर्सर को लेते आइए और यहाँ पर थोड़ा सा आप इंटर भी प्रेस कर लीजिए, और यहाँ पर हम लोग डाल लेते हैं पेड बाई, ठीक है, इस तरह करके आप डाल लीजिए। इसके बाद सेमी कॉलन का साइन दीजिए, और दोस्तों अगर ऑनलाइन पेमेंट कर रहे थे तो ऑनलाइन का हम लोग कॉलम बना देते हैं, ठीक है। और ऑनलाइन के लिए यहाँ पर एक चेक बॉक्स बनाते हैं, तो आप इंसर्ट पर आ जाइए और सेव्स में आ जाइए, और यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स ले लीजिए, ठीक है। और यहाँ से एक छोटा सा इस तरह करके आप ड्रॉ कर लीजिए, जिसमें हम लोग जो अगर ऑनलाइन देंगे तो हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे इसके बाद, और यहाँ पर हम लोग ऑफलाइन का कॉलम बना लेते हैं, और इसके बाद यहाँ भी एक तरह का दोस्तों यहाँ पर भी बॉक्स बना लीजिए। तो यहाँ पर इसको आप सेलेक्ट कीजिए और कंट्रोल की मदद से आप इसे यहाँ पर कॉपी करके लेते आइए, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर हमारा आ रहा ऑफलाइन और ऑनलाइन का दोनों का बन गया है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा कैपिटल लेटर में कर देता हूँ, देखिए, ठीक है दोस्तों। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पर सिग्नेचर का एक आपको ऑप्शन बना लेना। तो चलिए यहाँ पर मैं स्पेस बार देता हूँ, उसी तरह आपको आना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप सिग्नेचर का ऑप्शन बना लेते हैं, ये देखिए दोस्तों हमने सिग्नेचर का ऑप्शन बना लिया, ठीक है। आप दोस्तों इसको आप सेलेक्ट करके थोड़ा सा साइज अगर बड़ा करना चाहें थोड़ा बड़ा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसको आप थोड़ा सा और स्पेस बार देते हुए, ठीक है, थोड़ा इस साइड कर लीजिए ताकि देखने में सुंदर लगे। और दोस्तों देखिए लगभग हम लोग का बन के रेडी हो चुका है, आप यहाँ पर देखिए, ठीक है दोस्तों। आप अगर चाहें तो आप अपने मन से जो भी करना चाहें, इसको एडजस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए मैं थोड़ा सा इसको आपको एडजस्ट कर देता हूँ, और इसे मैं थोड़ा सा अंडरलाइन भी कर लेता हूँ तो थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। देखिए यहाँ पर अंडरलाइन का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। और अगर चाहें तो आप अपने से कोई भी अगर जगह बोल्ड करना या कोई भी और भी चीज़ ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था हमारा आज का वीडियो, आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मैं मिलता हूँ आपसे नए वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।